नमस्कार, मेरा नाम अनस है। बॉलीवुड में इन दिनों एक कपल की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये कपल आए दिन सुर्खियों बटोरता ही रहता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं विक्की कौशल और कटरीना कैफ की। ये दोनों आजकल जहाँ कहीं भी जाते हैं खबर बन जाती है। हाल ही में विक्की कौशल और कटरीना कैफ सेलेब मैनेजर रश्मा शेट्टी के ऑफिस पहुँचे थे। जैसे ही विक्की और कटरीना की पिक्स इंटरनेट पर वायरल हुई, वैसे ही लोगों के बीच इनकी शादी की खबरें तेज होने लगी। कुछ मीडिया हाउसेस ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया है कि विक्की कौशल और कटरीना कैफ इस साल दिसंबर के महीने में शादी करने वाले हैं। यहां तक कि यह भी बता दिया है कि इनकी शादी राजस्थान में होगी। जिसकी तैयारियों के बारे में बात करने के लिए दोनों रश्मा शेट्टी के ऑफिस पहुंचे थे। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक उड़ रही इन तमाम अफवाहों पर अब खुद कटरीना कैफ ने ही फुल स्टॉप लगा दिया है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कटरीना कैफ ने कहा, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे बारे में ऐसी अफवाहें क्यों फैल रही हैं। जब मेरे बारे में ऐसी खबरें आती हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। पिछले 15 सालों से मेरे दिमाग में भी यही सवाल है, क्या मैं शादी करने वाली हूँ। कटरीना के इस बयान से ही साफ हो गया है कि फिलहाल वो शादी पर नहीं अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। उनके पास टाइगर 3 और फोन बूथ जैसी फिल्में हैं जिनको लेकर उनके सभी फैंस एक्साइटेड हैं। कटरीना की इन बातों से तो साफ हो गया है कि फिलहाल उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं है। यूं तो अभी तक दोनों ने अपनी रिलेशनशिप पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन आए दिन दोनों की पिक्चर्स इंटरनेट पर वायरल होती रहती हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही दोनों की इंगेजमेंट की खबर भी थी जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन वो खबर भी महज एक अफवाह निकली। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों अपनी शादी की खबर कब तक देते हैं।